नमस्कार दोस्तों, आज 6 दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले ट्रेडिंग वीक के मार्केट आउटलुक को। इसमें मेनली हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और मार्केट आउटलुक। इसके साथ हम कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर लास्ट वीक के मार्केट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो हमें वीकली बेसिस पे यहाँ पे बैंक निफ्टी में अराउंड 1.5% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसने 30,000 के लेवल को फिर से रिक्लेम किया है और हम निफ्टी आईटी में अभी भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मा में हमें लास्ट वीक अराउंड 4.35% का एक जंप देखने को मिल जाता है, जबकि हम एफएमसीजी और सर्विसेज सेक्टर में भी एक नोटिसेबल अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया विक्स यहाँ पे लास्ट वीक 9.03% के मार्जिन से घटा है, जिसकी वजह से आगे भी आपको मार्केट थोड़ा सा और ऊपर के लेवल यहाँ पे टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पे टॉप गेनर्स और लूजर्स को देखा जाए तो यहाँ पे टॉप लूजर्स में हमें एचडीएफसी बैंक का नाम दिखाई देता है, जबकि टॉप गेनर्स में हम लास्ट वीक गेल में अराउंड 16.71% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को देखा जाए तो हमें पुट साइड में करंटली 13,200 के ऊपर एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 22,71,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है और मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम अगला जो सपोर्ट है उसे 13,100 के लेवल पे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे के साइड 13,000 का लेवल अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देता है, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 27,52,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। कॉल साइड पे हमारे लिए 13,200 का लेवल काफी क्रूशियल है, क्योंकि अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी में कोई भी ओपनिंग हमें मंडे को दिखाई देती है और अगर इस लेवल को ये सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो हमें 13,300 के स्ट्राइक पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 10,59,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को एड होता हुआ देखा जा सकता है। और अभी के लिए हम हायर साइड में 13,500 के लेवल तक यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये लेवल अगले हफ्ते हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। अगर इसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखा जाए तो हमारे लिए 30,000 का लेवल यहाँ पे ब्रीच होना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इस लेवल पर अभी के लिए यहाँ पे 4.42 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक बिल्डअप को यहाँ पे देखा जा सकता है। इन केस मंडे को इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो हम इसे एज ए इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अगला जो सपोर्ट है वो हमें 500 पॉइंट्स नीचे यहाँ पे 29,500 के स्ट्राइक पे दिखाई दे सकता है। और कॉल साइड पे हम इस 30,000 के ऊपर ही एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में देख सकते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो आपको एक फर्दर यहाँ पे रैली इसमें देखने को मिल सकती है, और उस सिनेरियो में आप 30,500 को ऐसे अगला रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटीज को देखा जाए तो हमें लास्ट 4 ट्रेडिंग डेज में इसमें अराउंड 10,206 करोड़ का एक फंड इनफ्लो एफआईएस के साइड से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि डीआईएस के साइड हम अभी भी यहाँ पे 6,090.52 करोड़ का नेट फंड आउटफ्लो को यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर इसे देखा जाए तो निफ्टी के पिवट पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ पे पहला जो सपोर्ट है वो हमें 30,230 पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और दूसरा और तीसरा सपोर्ट हम 13,191 और 13,168 के लेवल्स पे यहाँ पे देख सकते हैं। रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे 13,293 और 13,316 के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स को यहाँ पे पिवट पॉइंट्स के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला सपोर्ट 29,896 के ऊपर दिखाई दे सकता है, जिसके नीचे यहाँ पे हम 29,662 और 29,533 के ऊपर अगले दो सपोर्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। रेजिस्टेंस साइड हमें 30,250 के ऊपर यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर हमें 30,389 और 30,623 के ऊपर अगले दो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर एफएनओ के बेसिस पे यहाँ पे इसे बात किया जाए तो निफ्टी आपको अगले हफ्ते 13,100 से लेकर 13,400 के बीच में यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे बुल का एक ग्रिप विक्स के लेवल में गिरावट की वजह से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक इंडियन विक्स में अराउंड 9% से ऊपर एक गिरावट दिखाई दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बुल्स का एक ग्रिप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है।
करंटली मैक्सिमम पुट इंटरेस्ट यहाँ पे 12,000 के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके बाद 13,000 के लेवल्स पे भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे जैसा कि हमने पहले यहाँ पे देख लिया। कॉल साइड पे यहाँ पे 13,500 के ऊपर अभी के लिए एक रेजिस्टेंस हमें अपर साइड में दिखाई दे रहा है, तो अगर कोई भी मार्केट में रैली आती है तो आप 13,500 को एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली अगर कुछ ट्रेंडिंग न्यूज की ओर देखा जाए तो यहाँ पे COVID-19 वैक्सीन का जो ट्रायल है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और यहाँ पे US में इसका पहला वैक्सीनेशन आपको फ्राइडे को यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके लिए न्यू प्रेसिडेंट जो जो बाइडेन है उन्होंने लोगों को नेक्स्ट 100 डेज तक यहाँ पे मास्क पहनने के लिए यहाँ पे एनकरेज किया है, और यहाँ पे नेक्स्ट फ्राइडे से यहाँ पे US सिटीजन्स को फाइजर और बायोनटेक के शॉट्स यहाँ पे वैक्सीन के तरह यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट किया जा सकता है, और UK में वैक्सीन का जो रोल आउट है उसे आप नेक्स्ट वीक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी फाइजर और बायोएनटेक का जो शॉट्स हैं उसे आपको नेक्स्ट ट्यूसडे से यहाँ पे लोगों के बीच देते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल की ओर देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो फ्यूचर्स है उसे $50 पर बैरल के रेट पर ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन आगे कोरोना वायरस के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इसमें एक कटौती का यहाँ पे फैसला लिया जा सकता है। करंटली इसे $49.25 पर बैरल पे ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है, जो कि मार्च से यहाँ पे अपने हाईएस्ट लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ओपेक लेवल यहाँ पे कुछ मीटिंग्स चल रहे हैं जिससे यहाँ पे ऑयल कट को यहाँ पे एक मिनिमम लेवल तक कट किया जा सके, जैसे कि यहाँ पे मार्केट में इसकी डिमांड बनी रहे और क्रूड ऑयल के प्राइस पे एक फर्दर फॉल आने से इसे रोका जा सके। और फाइनली अगर कुछ US स्टिमुलस के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे US के सीनेट में एक रूल यहाँ पे पास किया जाने वाला है, जिसकी मदद से आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आपको $908 बिलियन का एक फंड यहाँ पे लोगों के बीच यहाँ पे एक रिलीफ बिल की तरह यहाँ पे एलोकेट होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। पहले इसे डोनाल्ड ट्रंप के टाइम अराउंड 200 ट्रिलियन का एक दूसरा रिलीफ फंड की तरह यहाँ पे देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेट्स करंट इलेक्शन में हारने के बाद यहाँ पे इसे $908 बिलियन तक यहाँ पे मिनिमाइज करने का यहाँ पे फैसला लिया जा सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।